आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट से हमला, जेलेंस्की बोले निशाना चूका। फेसबुक ट्विटर के बाद रूस में अब यूट्यूब पर भी लगाया गया बैन। एक सौ 179 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर एशिया का विमान। एयरपोर्ट पर वी मुरलीधरन ने किया बच्चों का स्वागत। यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में। आईएमए ने एडमिशन को लेकर पीएम को लिखा पत्र। मणिपुर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 22 सीटों पर पड़ रहे वोट। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 10वां दिन है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बमबारी जारी है। सूमी और खार्कीव में अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारत सरकार उनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण फंसे लोगों को वापस लाने के लिए शनिवार को यानी आज भारतीय वायुसेना अपनी 4 उड़ानें संचालित करेगी। इन 4 उड़ानों के साथ ही 11 नागरिक उड़ानों का भी परिचालन किया जाएगा। विमानन मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है कि शनिवार को 11 नागरिक उड़ानों में 22,000 से ज्यादा भारतीयों के वापस आने की उम्मीद है। इन उड़ानों में से 10 उड़ानें दिल्ली में और एक मुंबई में उतरेंगी। यूपी में चुनावी जंग में बस एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से काशी में डटे हैं, जहां कल पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया, जहां आज भी पीएम मोदी वाराणसी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 7वें चरण और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएंगे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में मतदान होना है। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की भी परीक्षा होगी। इनमें से 5 वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, जबकि 1 विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 9 जिलों में कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.06 करोड़ मतदाता करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में गाजीपुर में होने वाले 7 मार्च को मतदान के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच झोंक दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सदर प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत के पक्ष में उत्तर प्रदेश के वैश्य समाज से मंत्री नंद गोपाल नंदी और पूर्व मंत्री विजय मिश्रा रथ पर सवार होकर गाजीपुर की सड़कों पर निकले। इस दौरान जगह जगह व्यापारी और आम जनता ने नंदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि योगी सरकार की योजनाओं के कारण ही जनता भाजपा सरकार को समर्थन दे रही है। वहीं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए योगी सरकार के सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बात की और कहा कि योगी सरकार ने गुंडों और माफियाओं पर नकेल कसी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से लगातार किए गए कार्यों को जनमानस सराह रहा है। उसी का नतीजा रहा कि 2017 में 2014 से 2017 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ
जनता ने प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों पर मोहर लगाई और प्रचंड बहुमत में 2017 की सरकार बनी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त के गृह मंत्री, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अप्रतिम रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी द्वारा लिया गया एक निर्णय उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दिया। मंत्री जी, आज आपके रोड शो में नंदी जी थे, माननीय विजय मिश्रा जी थे, क्या लगता है आप इस रोड शो से जनता के ऊपर कितना प्रभाव डाल सकता है? 2014 के बाद से केंद्र सरकार में और 2017 के बाद से प्रदेश सरकार में इतनी जन कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए थे कि उसके बदौलत आज जब 22 का चुनाव आया है और सदर विधानसभा में रोड शो निकला है, तो ये रोड शो बिल्कुल अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से छूट गए हैं, ऐसे में करीब 8.5 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनको 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया जा रहा है और उसमें इन बच्चों को विशेष रूप से वैक्सीन लगाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों के साथ साथ नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष की उम्र के कुल 1.10 करोड़ बच्चों को भी अभियान के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसमें इन कई बच्चों को चिन्हित किया गया है। इस दौरान करीब 1.10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। अलीगढ़ के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भूजपुरा इलाके में पुलिस ने एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां ताले की चाबी बनाने की फैक्ट्री की आड़ में तमंचे बनाए जा रहे थे। ये कार्रवाई बरेली एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर की। वहीं गिरफ्तार 6 आरोपियों के पास से 19 तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 4 अधबने तमंचे और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वह इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिस दौरान आरोपियों ने बताया कि वो लंबे समय से शस्त्रों की तस्करी कर रहे थे, जबकि वो अलीगढ़ में तमंचे नहीं बेचते थे बल्कि कानपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में इन तमंचों की सप्लाई करते थे। थाना कोतवाली में कल रात्रि में एक असलाह बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 19 बने हुए तमंचे, 1 बने हुए रिवॉल्वर और लगभग 4 अर्ध निर्मित तमंचे बरामद हुए। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के नहटौर रोड पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया, जब बिजनौर की तरफ जा रहा एक ट्रक और सामने से आ रही बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रक के अंदर जा घुसी। वह इस हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के तुरंत बाद ही दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था कि दोनों वाहनों की टक्कर होते ही दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और बीच सड़क पर ही ये दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। शादी में सारे से गाड़ी बता दी कि लौटने में होया इनका एक्सीडेंट। शादी में गए थे? किसकी शादी में गए थे? अपने भाई की। बड़े अपने सगे भाई की? सगे भाई की, बड़ा भाई था इसका। कितने लोग थे? ये 3 थे। अच्छा, कितने लोग इसमें डेथ हुई है? इसमें हमारे 2 हुई है, एक मेरा 13 भाई का लड़का, एक हमारा दामाद 13 भाई का ही। शादी में सारे से गाड़ी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण था कि एक ट्रक और एक बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। वही इस हादसे के दौरान जो तेज रफ्तार बाइक है वो ट्रक में जा घुसी और बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसके बाद इन दोनों ही वाहनों में जबरदस्त आग लग गई और ये दोनों वाहन बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगे। वही इस मामले की सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कड़े मशक्कत के बाद बाइक सवार दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दे दी है, जिसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।
खबर मऊ के हलदरपुर क्षेत्र से है, जहां दो बसों की जोरदार टक्कर में एक सिपाही समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बसों में सवार कई यात्री भी घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वह इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने जिला अस्पताल में मीडिया को दी है। तो आपको बता दें कि मऊ में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बसों की जोरदार टक्कर हो गई। वही इस पूरे घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। वही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने जिला अस्पताल में मीडिया कर्मियों को दी है। हलदरपुर थाना क्षेत्र में रतनपुरा के पास में दो बसों की आपस में एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में लगभग 12 से 15 लोग घायल हुए थे, और चार लोग हैं जो रेफर किए गए थे, उसमें से तीन वहाँ मौके पर मृत्यु हुई थी, एक की और मृत्यु हुई थी वहाँ रतनपुरा CHC में उनकी मृत्यु हुई। और इस संबंध में मैं घटनास्थल पर भी गया था, वहाँ देखा हूँ, और यहाँ जिला अस्पताल में आया हूँ। वहाँ पर रतनपुरा CHC में CMO भी पहुँचे हैं, CMS यहाँ पे जिला अस्पताल में जो घायल है उनको देख रहे हैं, और रतनपुरा CHC पे CMO स्वयं पहुँचे हैं, वो वहाँ के घायलों को देख रहे हैं, उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा रहा है। चार लोगों की इसमें मृत्यु की पुष्टि हुई है, बाकी जो घायल है उनको राहत कार्य और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको। तो मऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहाँ दो बसों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मऊ से हमारे संवाददाता कमलेश जी जुड़ चुके हैं। तो कमलेश जी, इन दोनों बसों की टक्कर में कुल कितने यात्री घायल बताए जा रहे हैं? कुल ये मुस्कान जी आपको बता दें, कुल बसें जो घायल एक दर्जन है, जिसमें 12 लोग घायल हैं और चार की मौत बताई जा रही है। इन दोनों बसों की टक्कर किस वजह से हो गई? मैम, इतना काफी ट्रैफिक जाम होने के कारण दोनों बस एक बलिया तरफ जा रहा था, एक मऊ से जा रहा था, उसी बीच हल्दर रतनपुरा बाजार में ही दोनों आपसी में ही टकराव हो गया, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई, तो चार व्यक्तियों पैसेंजर का हो गया। कमलेश जी, सिपाही कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है और वो किस थाने में तैनात था? जी मैम, वो सिपाही अम्बेडकर नगर की ड्यूटी थी और गाजीपुर का रहने वाला था, और वो गाजीपुर घर जा रहा था। कमलेश जी, इस पूरे मामले पर अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी तक मुस्कान जी बता दें, अभी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और प्रशासन लगी हुई है। धन्यवाद कमलेश जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मऊ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो तेज रफ्तार बसों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस हादसे में एक सिपाही की भी मौत हो गई है। रायबरेली में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार चार लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो रायबरेली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत भी हो गई है, जबकि घायलों को ग्रामीणों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, नाम डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। हाँ, अभी एक्सीडेंट कठवारा के पास, हरचंदपुर के पास कहीं, कठवारा हरचंदपुर थाने में है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो पांच लोग आए थे, जिसमें चार गंभीर चोटिल थे, उनका यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया है, और एक उसमें बुजुर्ग थे 60 साल के, मकरध्वज नाम के, वो ब्रॉडेड आए थे यहाँ पे, और जो चार एडमिट किए गए हैं उसमें से एक गैस। खबर संभल से है, जहां के भिरावटी बेहट करण पर स्थित एक पंप के द्वारा बेचे जा रहे मिलावटी डीजल पेट्रोल का किसानों ने विरोध किया, जिसकी सूचना पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पंप से डीजल पेट्रोल के सैंपल लेकर और उन सैंपल को सील करके जांच के लिए भेज दिया है। तो वह इस मामले को लेकर उपजिलाधिकारी ने बताया कि पंप से डीजल और पेट्रोल के सैंपल लिए गए हैं, और जब तक सैंपल चेक होकर नहीं आएंगे तब तक के लिए ये पेट्रोल पंप बंद करा दिया गया है। इस क्षेत्र से कुछ लोगों के द्वारा कॉल की गई थी कल भी और आज भी, कि इसमें पेट्रोल पंप पे जो है
तेल जो है वो मिलावटी बेचा जा रहा है, उसी की जांच करने के लिए सप्लाई विभाग जो है और मैं खुद जो है यहाँ पे देखा है और इसके सैंपल लिए जा रहे हैं और जो भी सैंपल मिलावट पाए जाते हैं तब तक के लिए। तमाम जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आपको बता दूं, जनपद संभल के गिन्नौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है मिलावटी तेल बेचा जा रहा है और उसमें मौके पर पुलिस और आईजी मौके पर पहुंचे हैं और उस पेट्रोल पंप के लिए सीज कर दिया गया है और वो सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए हैं। मुबारक जी, अभी तक पुलिस ने और क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस मामले में? एजेंट साहब ने जो कार्रवाई की है और उसमें जो सैंपल भर लिए गए हैं और उसे उस पेट्रोल पंप के लिए सीज कर दिया गया, जब तक सैंपल वापसी नहीं आएंगे जब तक पेट्रोल पंप को सीज ही रहेगा। धन्यवाद मुबारक अली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों ने डीएम से इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है, साथ ही मौके पर ही ये पेट्रोल पंप सील कर दिया है और ये भी कार्रवाई की गई है कि जब तक सैंपल की जांच होकर नहीं आती है तब तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेगा। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।